हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लालू एंड पीलू। यह एक स्टोरी है जो कि एनसीईआरटी के बुक में क्लास वन के यूनिट टू में यूनिट थ्री में दिया हुआ है, और भी दूसरे बुक में यह दिया हुआ है स्टोरी। चलिए आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लालू एंड पीलू। लिसन मतलब सुनो एंड एंजॉय दिस स्टोरी, इस कहानी को एंजॉय करो। देयर वाज ए हेन, इसमें कहा जा रहा है कि देयर वाज ए हेन, एक हेन थी मतलब मुर्गी थी। सी हैड टू चिक्स, उसके दो चिक्स थे मतलब उसको दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिक्स कहा जाता है मुर्गी के बच्चों को, चिक्स कहा जाता है। सी हैड टू चिक्स, उसके दो चिक्स थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। लालू एंड पीलू, लालू और पीलू दो छोटे छोटे उसके बच्चे थे, दो चिक्स थे। एक का नाम लालू था और दूसरे का नाम पीलू। लालू वाज रेड, लालू लाल रंग का था, लालू लाल था। ही लव्ड रेड थिंग्स, वह लव कर मतलब प्यार करता था रेड चीज़ों को, लाल रंग की चीज़ों को उसे पसंद था। पीलू वाज येलो, पीलू जो था वह येलो कलर का था। ही लव्ड येलो थिंग्स, वह पीले चीज़ों को लव करता था मतलब पसंद करता था, पीला था तो पीले रंग को पसंद करता था। वन डे, एक दिन लालू सा, एक दिन लालू ने देखा समथिंग, कुछ देखा ऑन ए प्लांट, एक पौधे पर। इट वाज रेड, वह लाल था मतलब लाल कलर का था, लाल रंग का था। ही एट, उसने खाया इट मतलब इसे अप, और उसे मतलब खा लिया वह इट। ही एट इट अप, वह अपने मुंह में इसे खा गया, खा लिया। ओह नो, उसके बाद क्या हुआ करा, ओह नो इट वाज ए रेड चिली, यह क्या था रेड चिली था मतलब लाल मिर्च था। इट वाज वेरी हॉट, वह बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्म था। मिर्चा जो होता है चिल्ली, चिल्ली मतलब मिर्च, वो जलने लगता है ना गर्म, उसको बोलते हैं गर्मी, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर। इट वाज वेरी हॉट, यह बहुत ही गर्म था। लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, लालू का माउथ जो है मुंह उसका स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया बर्निंग मतलब जलने लगा, मतलब तीता पूरा लगता है ना तीखा उस मिर्च के कारण जो जलन होती है उसी को कह रहा है। लालू माउथ स्टार्टेड बर्निंग, लालू का मुँह जलना शुरू हो गया। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया। उसके आगे है देखिए, मदर हेन, जो उसकी मम्मी थी हेन, कैम मतलब आई, रनिंग मतलब दौड़ते हुए। पिल्लू केम टू, उसके साथ पिल्लू भी आया, पिल्लू केम टू, पिल्लू भी आया। पिल्लू सेड, पिल्लू ने कहा, जो उसका उसका जो दूसरा जो ही चिक्स था पीलू, वह भी आया साथ में। पीलू आकर कहता है, पीलू कहा आई विल गेट समथिंग, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ, फॉर यू, तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ। पीलू ब्राउट ए येल्लो लड्डू, पीलू लाया था क्या, एक येल्लो रंग का पीला रंग का लड्डू लाया था। उसके बाद देखिए आगे, लालू गोब्ड अप द लड्डू, लालू ने उसको निगलना शुरू किया, निगल गया लड्डू, लड्डू को मतलब खाने खा गया। हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, जब लड्डू खाया, लड्डू मीठा होता है ना, तो उससे क्या हुआ उसका माउथ जो है, हिज माउथ स्टॉप मतलब रुक गया, बर्निंग मतलब जलना रुक गया, उसका मुंह जो है अब जलना बंद हो गया। मदर हेन, मदर हेन एंड लालू, और लालू ने किस्ड किया पीलू को, जिसने लड्डू लाया था जिससे इसका मुंह ठीक हो गया, उसको पीलू को दोनों लोग मदर हैं और लालू ने किस किया उसे। तो इस तरह से ये छोटा सा स्टोरी था बच्चों। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ। नेम चिक्स इन द स्टोरी, कहानी में चिक्स का नाम बताएं, इसका आंसर होगा लालू एंड पीलू। दूसरा क्वेश्चन है, हु लाइक्ड येलो थिंग्स, कौन येलो थिंग्स पसंद करता था, इसका आंसर होगा पीलू लाइक्ड येलो थिंग्स। हु लाइक्ड येलो थिंग्स, पीलू लाइक्ड येलो थिंग्स, इसका यही आंसर होगा। थर्ड है, व्हाट डिड लालू ईट वन डे, एक दिन लालू ने क्या खाया,
इसका आंसर होगा लालू एट रेड चिली वन डे, चाहे वन डे को शुरू में लिखिए वन डे लालू एट रेड चिली, लालू एट रेड चिली, एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ही पूछा गया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम लोग इसको ईट के जगह एट ही लिखेंगे। लालू पास्ट में लिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमको आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही देंगे, ईट के जगह एट लिखेंगे। लालू एट वन डे पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे लालू एट रेड चिली, लालू ने रेड चिली खाया एक दिन। तो ये था, और ये देखिए लेट्स टॉक मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में बात करना है। पीलू ब्राउट येलो लड्डू फॉर लालू, पीलू ने लालू के लिए लाया पीला रंग का येलो रंग का लड्डू, लालू के लिए पीलू ने लाया येलो लड्डू पीला रंग का लड्डू फॉर लालू, लालू के लिए। व्हाट आर द अदर थिंग्स, और दूसरे चीज क्या हो सकता है। पीलू कुड हैव ब्राउट, जो पीलू ला सकता है, पीलू ला सकता था। दैट आर बोथ येलो, जो कि दोनों हो, येलो भी हो एंड स्वीट और मीठा भी हो, तो हो सकता है। नेम एटलीस्ट टू, दो का बताना है, इसमें एक दिया है जैसे एग्जांपल ए मैंगो हो सकता है, मैंगो पीला होता है ना पकने के बाद वो भी मीठा लगता है, वो ला सकता है। या फिर बनाना भी होता है पक जाने के बाद पीला पीला बनाना होता है, वो ला सकता है। और भी दूसरे फल होते हैं पीला रंग का, जैसे दूसरा कोई जो येलो पीला रंग का हो, जैसे कि बैर भी होता है। ऐसे दो ही हो गया, एटलीस्ट दो का, मैंगो हो गया बनाना हो गया। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।